हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगी कि सिंगल एंट्री मोड क्या होता है टैली के अंदर। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब हमने परचेज की एंट्री पास करी तो जो फर्स्ट स्क्रीन आप देखते हैं वो आपकी इनवॉइस मोड पे होती है, उसको हमने वाउचर में कन्वर्ट किया था कंट्रोल प्लस वी की प्रेस करके। ठीक है, वो है अलग चीज, लेकिन एक होता है आपका सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। ये क्या टर्मिनोलॉजी है टैली के अंदर, वो आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। पहले आपको थोड़ा सा मैं थियोरेटिकली समझाऊंगी, एग्जाम्पल से समझाऊंगी, देन फिर हम टैली पे स्विच करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेमेंट की एंट्री करनी है, कोई रिसिप्ट की एंट्री करनी है, तो जो पहली स्क्रीन आप देखते हैं वो आपकी होती है सिंगल एंट्री मोड पे। अब सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, मैं एक सेकेंड ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी हाई करती हूँ। यस, देखिए जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग है वो ट्रांजेक्शन की वन साइडेड पिक्चर को शो करती है। ठीक है, लेकिन डबल एंट्री में क्या होता है, आप जब सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेमेंट की ट्रांजेक्शन करी है, पेड कैश टू सुभाष, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, ये सिंगल ट्रांजेक्शन आपकी दो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी, और वो दो अकाउंट आपके कौन से होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये होता है आपका डबल एंट्री मोड। एंड सिंगल एंट्री में आपकी ट्रांजेक्शन की सिर्फ एक साइडेड पिक्चर को दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे जिन लोगों को अकाउंटिंग बहुत डिटेल में नहीं आती है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए वाउचर्स क्रिएट करने में, उनके लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, इवोल्व हुआ है टैली के अंदर। ठीक है, दैट इज सिंगल मोड एंट्री, जहाँ पर यूजर को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि वो डेबिट में क्या डाल रहा है, क्रेडिट में क्या डाल रहा है, अगर वो कोई कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैन्युअली बात करें, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैन्युअली बात कर रही हूँ, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नोटबुक मेंटेन करी और आपने इस नोटबुक पे लिख दिया रिसिप्ट। ठीक है, यानी आप इस नोटबुक में वो सारी एंट्रीज करेंगे, उन सारी पार्टीज का नाम डालेंगे जिन्होंने आपको कैश में पेमेंट करी है, यानी इस बुक में आपने बहुत सारी पार्टीज के नाम डाले। यानी रिसिप्ट का मतलब क्या है कि आपको इसमें आप जिस भी पार्टी का नाम मेंशन करेंगे उन्होंने आपको कैश दिया। मान लो मैंने एक नोटबुक बनाई, यानी इन इन पार्टी से मुझे कैश रिसीव हुआ, तो कैश ऑलवेज डेबिट होगा इसमें। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड आपको मैं समझा रही हूँ, कैश ऑलवेज डेबिट होगा, लेकिन ये कहीं पर भी विजिबल नहीं है कि आपने कैश को डेबिट दिखाया है। आपने एक नोटबुक मेंटेन करी, उसको नाम दिया रिसिप्ट, यानी इसमें जितनी भी पार्टी के नेम में मेंशन करूंगा वहां से मुझे कैश मिला है। ठीक है, तो वो जब आप नोटबुक ओपन करेंगे तो आपको वो सिर्फ पार्टीज के नेम दिखाई देंगे, लेकिन वो चीज ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होगी, इंप्लाइड होगी कि इन पार्टीज ने मुझे पैसा दिया, तो वो ट्रांजेक्शन के सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट को ही शो करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंगल एंट्री मोड। अभी सिंगल एंट्री मोड में अगर हम पेमेंट की बात करें, अगर मैं पेमेंट की बात करती हूं, एक सेकेंड, अगर मैं पेमेंट की बात करती हूं तो पेमेंट में जो कैश होता है वो कंपनी से जाता है, तो कैश हमेशा आपका रियल अकाउंट में आता है, जिसका रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यानी जो भी कैश कंपनी से बाहर जा रहा है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा। ठीक है, ऐसे ही रिसिप्ट में क्या होता है, रिसिप्ट में कैश हमेशा कंपनी में आता है, डेबिट वर्ड्स कमिंग, सो यहां पर जो कैश है वो ऑलवेज डेबिट होगा। तो ये आपका सिंगल एंट्री मोड होता है। आई होप आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टैली में जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं ये आपकी सिंगल एंट्री मोड पे है, तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा वो कैश अकाउंट होगा, और ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड है कि पेमेंट, यानी यहाँ पर आप जिस भी पार्टी का नाम लिखोगे आपने उसको पेमेंट करी है, यानी कंपनी से कैश जा रहा है। देखिए जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली ने कैश यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसका मतलब कैश का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट है, और यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट मेंशन करेंगे पार्टिकुलर्स में वो आपका डेबिट नेचर का होगा, यानी वो पार्टी कैश रिसीव कर रही होगी। क्लियर, ऐसे अगर मैं F6 की प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर जो कैश का अकाउंट है वो ऑटोमेटिक टैली ने उठा लिया है, लेकिन यहाँ पर जो कैश है इसका बैलेंस डेबिट है क्योंकि कंपनी कैश रिसीव कर रही है, डेबिट वर्स कमिंग, तो
तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स में जितनी भी एंट्रीज, जितनी भी पार्टीज के नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, इसका मतलब आप उनको, उनसे एक पैसा ले रहे हो, आप उनसे कैश रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज आप लिखेंगे वो आपकी क्रेडिट नेचर की होगी और कैश आपका यहाँ पे डेबिट नेचर का होगा अकाउंट में। आई होप आपको सिंगल एंट्री मोड क्लियर हो गया है। अब आपको ना यहाँ पर अलग से डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, वो चीज आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपका टैली सिंगल एंट्री मोड पे ऑटोमेटिक अकाउंट उठा लेगा और आपको सिर्फ उस पार्टीज के नेम लिखने होंगे, जिससे आपकी एंट्रीज करना काफी ज्यादा सिंपलर हो जाएगा कंपैरेटिवली डबल एंट्री मोड की। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्रिएट की है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।